हाय एवरीवन, वेलकम टू माय मॉम्स रेसिपी। आज हम एक और हिमाचली डिश लेके आए हैं, सोयाबीन की कचौरी। बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हम सोयाबीन ले लेंगे। सोयाबीन को हम ओवरनाइट सोक कर लेंगे, भिगो के रख लेंगे। आप चाहें तो इस कचौरी को आप उड़द की दाल के साथ भी बना सकते हैं। अब हम इस तरह से दोनों हाथों से रब करके सोयाबीन का छिलका अलग कर लेंगे। इस मेथड को आप 2 से 3 बार तक रिपीट कर लें। थोड़ा बहुत छिलका रह भी जाता है तो कोई बात नहीं। और अब हम सोयाबीन को स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए। अब हम कचौरी के लिए डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे व्हीट फ्लार आटा। इसके बाद हम गुनगुने पानी में ऐड करेंगे ड्राई ईस्ट। ईस्ट को पानी के साथ अच्छे से मिला लें ताकि वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। और हम आटे में ऐड करेंगे चीनी, और इसके बाद डालेंगे नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें और अब हम ऐड करेंगे ईस्ट का घोल, और अब हम ऐड करेंगे पानी। ध्यान रखें एक ही बार में सारा पानी यूज ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अब हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इस आटे को आप कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से नीट कर लें, गूंद लें। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम एक बोल को ग्रीस कर लेंगे और उसमें इस आटे को रख देंगे, और इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लें। अब हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि आपको किस तरह का सॉफ्ट डो बनाना है। और हम आटे को कवर करके किसी वार्म प्लेस में रख देंगे जब तक कि ये डबल इन साइज ना हो जाए। अब हम सोयाबीन को हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। एक ही बार में सारी सोयाबीन को ग्राइंड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ही इसे पीसें। सोयाबीन को पीसते हुए हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको सोयाबीन को पीसना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरे और धनिए का दरदरा पाउडर, और इसके बाद डालेंगे चिली फ्लेक्स, और अब डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसके बाद डालेंगे ग्रेटेड जिंजर अदरक, और अब डालेंगे हरा धनिया। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद अब हम इस मिक्सचर को हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो सोयाबीन के साथ अच्छे से मिल जाएं। और ये देखिए हमारा कचौरी का डो भी रेडी है। आपको इस आटे को ओवर फर्मेंट नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखें। जैसे ही आटा फर्मेंट होता है उसी वक्त आप कचौरी बनाना स्टार्ट कर दें। और हम एक पेड़ा लेंगे, उसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, एकसार कर लेंगे। उसके बाद हम इसे सूखे आटे में डिप करेंगे और इस तरह से दोनों हाथों से घुमाते हुए एक छोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे। और अब हम इसके सेंटर में सोयाबीन का मिक्सचर भरेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। और हम सारे एजेस को अच्छे से टाइटली क्लोज कर देंगे ताकि फ्राइंग के समय कचौरी खुले ना। अच्छे से बंद कर लेने के बाद अब हम दोबारा से इसे सूखे आटे में डिप करेंगे, और अब दोनों हाथों से इस तरह से घुमाते हुए इसकी कचौरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको इसको घुमाना है। इसको आप बहुत ही जेंटली करें, इस बात का ख्याल रखें। और अब हम इसी तरह से बाकी की कचौरी भी तैयार कर लेंगे। सारी कचौरी भर लेने के बाद हम इन्हें किसी कॉटन की शीट के ऊपर रख देंगे और 20 से 30 मिनट का रेस्ट देंगे। अब हम कचौरी को फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने ऑलरेडी गरम करने रख दिया है, तो सबसे पहले ऑयल को हम हाई हीट पे रखेंगे, और उसके बाद हम जैसे ही कचौरी ऐड करेंगे तो हम हीट को स्लो टू मीडियम पे कर देंगे। हाई हीट पे आप कचौरी को फ्राई ना करें, नहीं तो ये अंदर से अच्छे से सिकेंगी नहीं। कचौरी को आप तब तक फ्राई कर लें जब तक कि इनमें हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए कचौरी रेडी है। अब हम इसी तरह से बाकी की कचौरी को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी दूसरी कचौरी भी रेडी है। इंजॉय कीजिए कचौरी को रायते या अचार के साथ। आई होप आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।